क्वेश्चन फोर में अगेन आपको फंक्शन गिवन है, हमने टू को अप्रोच करना है लेफ्ट से। जब टू को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, जब हम टू पे पहुंच जाते हैं, तो अगेन ये हमने लाइन ड्रॉ की, हमने इसके लेफ्ट पे देखना है, इसके लेफ्ट पे कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। तो हम जब टू को अप्रोच करते हैं तो हमने इस वाले ग्राफ को देखना है जिसकी वैल्यू ये है विच इज टू, तो हमने टू लिख दिया। जब हमने टू को अप्रोच करना है राइट साइड से, तो अब इसी लाइन के राइट साइड पे कौन सा ग्राफ है, वो ये वाला है। तो ये ग्राफ कहाँ पे पहुंचता है जब हम टू को अप्रोच करते हैं, यहाँ पे, यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वो हमने लिख दी। अगेन टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दी है, ठीक है। और अगेन हमें कोई डार्क, अगर आपको डार्क सर्कल नजर आ रहा हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी फंक्शन की वैल्यू होगी। यहाँ टू के ऊपर हम अगर देखें तो हमें डार्क सर्कल नजर आ रहा है, जो उसकी वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है, टू है। तो इसीलिए जब एक्स इज इक्वल टू टू है, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, टू गिवन है।